बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्में और उनके सीन्स और गानों के लिए सब्सक्राइब करें अल्ट्रा बॉलीवुड और बेल आइकन पर प्रेस करें। ये है हमारे देश का नौजवान जिसकी आंखों में खून है, नफरत है। इसने चार नेताओं के खून किए हैं, 9 डाके डाले हैं और 20 इलेक्शन बूथ लूटे हैं। इतनी सी उम्र और इतने जुर्म, सवाल यह है कि यह मुजरिम खुद बना है या बना दिया गया है। यकीनन इसे बना दिया गया है और इसको बनाने में किसी विदेशी ताकत और एक खास गिरोह का हाथ है जो हमारे देश के 15 से लेकर 22 साल की उम्र के नौजवान बच्चों को फुसला कर उनके हाथों में बंदूक थमा देता है और ख़ास तौर से इलेक्शन के वक्त धर्म जाति के नाम या कोई और बहाना बनाकर दंगा फसाद करवाते हैं। ये बाहर के लोग हमारे देश में ही क्यों आते हैं? जब अपने घर में गद्दार पैदा हो तो विदेशी ताकत फायदा उठाएंगी। मिस्टर राम कुमार सिन्हा, आप खुफिया विभाग के माने हुए ऑफिसर हैं, हमारे देश का गौरव हैं, लेकिन क्या इस शर्म की बात नहीं कि आपका पुलिस विभाग अभी तक इस गिरोह का नाम पता भी नहीं पता कर सका है? सिर्फ एक ही लड़के को गिरफ्तार किया है, बल्लू बलराम को। लेकिन ये लड़का मामूली नहीं, इसका पकड़ा जाना हमारी मंजिल की पहली सीढ़ी है और मेरा और मेरे डिपार्टमेंट का हमारे देशवासियों से ये वादा है कि बहुत ही जल्द हम इस जहरीले गिरोह को खत्म कर देंगे और अपने देश में शांति का वातावरण ले आएंगे। क्या इस बल्लू बलराम के माता पिता हैं? इसकी भी इंक्वायरी चल रही है। सर, बल्लू के बयान के मुताबिक उसकी ना तो कोई माँ है, ना बाप, ना बहन, ना भाई। हाँ, लेकिन उसकी एक माशूका है सर, नाम है उसका सोफिया, जो पहले दिल्ली में मॉडलिंग और डांस करती थी। अब कहाँ है? लापता है सर। पता करो उसका। मैं सोफिया बोल रही हूँ। अगर बल्लू को फांसी हुई रोशिबा, मैं खुद को फांसी लगा लूंगी। पागल मत बनो सोफिया, बल्लू हमारा सबसे प्यारा सिपाही है और मेरे दिल की धड़कन है वो। बल्लू हमारा पहला सिपाही है जो पकड़ा गया और वो भी एक गधे की वजह से। हम ये जानते हैं सोफिया कि खुफिया पुलिस हमारे डर से बल्लू को एक जेल से दूसरी जेल ले जा रही है ताकि हमें यह पता ना चले कि बल्लू किस जेल में है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि बल्लू के हाथ कानून से लंबे हैं, इसलिए वो वापस आएगा, जरूर आएगा। खैर, तुमसे मिलने तो मैं आ ही रहा हूं। गुड लक। प्रकाश जी, आपको हम इलेक्शन में जिता देंगे, लेकिन खर्चा 2 करोड़ रुपए का होगा। रोशी महंता, बल्लू के पकड़े जाने से आपको खतरा हो सकता है। रोशी महंता जिस घर में पैदा हुआ उस घर का नाम खतरा था। पर सच करो रोशी बाबा, हमारी मोटर बाइक खराब हो गई थी, तब तक पुलिस आ गई। लेकिन मोटर बाइक तो तुम्हारी थी, तुम्हारी इस छोटी सी गलती से हमारा कितना नुकसान हुआ। मुझे माफ कर दो रोशी बाबा। माफी ऐसे मांगते बेटा? मुझे माफ कर दो रोशी बाबा, तुम्हारी ऐसी गलती नहीं होगी रोशी बाबा। चलता है, दुनिया है। मुना कहाँ है? लापता है सर। रोशन? हाँ रोशी बाबा, टीवी में खबर आई है कि अदालत ने बल्लू को 20 साल के लिए उम्र कैद की सजा दी है। मैंने ठीक कहा था ना प्रकाश भाई कि बल्लू जहर खा लेगा लेकिन हमारा पता नहीं बताएगा। लेकिन रोशी भाई, सुना है खुफिया पुलिस का चीफ बहुत चालाक खिलाड़ी? हिंदुस्तान में ऐसा कोई खिलाड़ी है ही नहीं जो बल्लू को हरा सके, और बल्लू हमारा शिष्य है प्रकाश भाई, हमारा। तुम मेरे करियर में पहले मुजरिम हो जो मुझे दिल से पसंद हो। ऐसी क्या बात मुझ में पसंद आ गई साहब? तुम्हारी ईमानदारी। यानी तुम पहले आदमी हो जो कबूल करते हो कि तुम बुरे हो, विलन हो, खलनायक हो। 100% साहब, मैं खलनायक और अपनायक। अपना अपना धंधा है सरकार,
दोनों ईमानदारी से करते हैं। सॉरी। इसलिए मैं तुमसे आज एक ईमानदारी का सौदा करना चाहता हूँ। सौदा? जो तुम्हारे फायदे का भी है, हमारे फायदे का भी है। अगर फायदे का हिसाब तो जल्दी बताइए। पांडे साहब बताइए। देख बल्लू, सौदा ये है कि इस हाथ दे और इस हाथ ले। ले ये कि तुम्हारी 20 साल की सजा राम जी कम करा के सिर्फ 2 साल की करा देंगे। 2 साल की? अब कैसे, वो राम जी का काम है, उन्हें का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सिर्फ प्राइवेटली, सीक्रेटली, गुप्त रूप से अपने बॉस का नाम और पता हमें बताना होगा। ये बात सिर्फ बस। क्यों राम जी? करेक्ट, ये मेरी गारंटी है। वाह वाह, वेरी गुड। ये सौदा है नायक और खलनायक का, ओपन डील। अभी बताओ और 2 साल बाद घर जाओ, खुद भी सो और हमें भी सोने दो, ऑल इन द फैमिली। साहब भरोसा कर लो। नहीं तो मत बताओ, हमारे पास और भी तरीके हैं पता लगाने के। नहीं नहीं साहब, ये सौदा तो फायदे का है, लेकिन अच्छा पांडे जी आइए आइए आइए, कागज और कलम उठाइए, आइए लिखिए। बदमिति चल रहा। सबसे पहले आप जाइए दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली से जाइए कश्मीर, कश्मीर, श्रीनगर, श्रीनगर, श्रीनगर से जीप से जाना पड़ता है पहलगाम, पहलगाम, पहलगाम से जाइए खिलनमर्ग, खिलनमर्ग, खिलनमर्ग से 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कहाँ? ऊपर पहाड़ी पर आता है एक मंदिर, मंदिर अमरनाथ जी का मंदिर, अमरनाथ जी का मंदिर, वहाँ लेट कर जाना पड़ता है, लेट कर। आगे आपको एक बर्फ का शिवलिंग मिलेगा, शिवलिंग मिलेगा, उसके सामने 9 बार आपको अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, नाक रगड़नी पड़ेगी, और अपनी आंखें बंद करके भगवान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी। क्या कि हे भगवान, इस बेवकूफ बल्लू के दिमाग में ये बात डाल दे कि वो आप लोगों को अपने बॉस का नाम और पता बता दे, और अगर वहां से कोई चमत्कार हुआ तो मैं बता दूंगा। छोटे लाल, ये क्या है, क्या है ये? कोई घर की रोटी है? सरकार, रोटी तो घर की है लेकिन आटा जेल का है। सुनते हो? सुनते हैं जी, सब सुनते हैं, आपकी सब सुनते हैं। अमेरिका से आपकी बेटी चीनी ने ये फोटो भेजी है, देखी? देखी। वो लिखती है कि अगर वो किसी से ब्याह करेगी, शादी करेगी, तो सिर्फ राम कुमार सिन्हा से, नहीं तो डूब जाएगी। उससे को पहले कपड़े पहन ले। अमेरिका में ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, वो तो मॉडर्न है ना। पर राम मॉडर्न नहीं है, उसके दिल में बरसों से गंगा बसी हुई है। गंगा? गंगा पहाड़ में गई गंगा, वो भी कोई लड़की है? तो क्या वो लड़का है? हाँ वो लड़का है। कौन से लड़के की बात कर रहे हैं आप? बैठो बैठो बैठो। ये कह रही थी कि भले ही हम तुम्हारे दूर के मामा मामी हैं, लेकिन 1 महीने में एक दूसरे के कितने करीब आ गए हैं। हाँ, मैं आपको बहुत तकलीफ दे रहा हूँ ना। अरे काहे की तकलीफ राम, मैं तुम्हारी, मामा तुम्हारे, मामा तुम्हारे, और टीनी तुम्हारी। नहीं देखो, नहीं नहीं नहीं, क्यों? नंगी है। मैं नंगी हूँ? मैं नंगा? हाँ। ये नंगी है, नंगी, नंगी है, नंगी है। बेटा राम, क्या कर रहे मामा जी? खेलिया बचपन की। राम, दरअसल ये पूछना चाहती है कि तुम्हारा शादी करने का इरादा कब है। देखिए मामा जी, जब तक मैं उस बल्लू के बॉस को नहीं पकड़ लेता तब तक मैंने शादी ना करने की कसम खाई है। ओके